सब्सक्राइब कीजिए टोटल नया ज्ञान चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, टोटल नया ज्ञान चैनल में सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं J7 Max की ओरियो अपडेट के बारे में। दोस्तों J7 Max सैमसंग की तरफ से मिड रेंज डिवाइस है दोस्तों, जो 15 से 17 हज़ार रुपये में रिलीज़ की गई थी दोस्तों। तो ये 2017 में नोगट के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ थे दोस्तों लॉन्च की गई थी, और J7 Max को अभी तक ओरियो का अपडेट नहीं मिल पाया है। तो इसकी कन्फर्म डेट दोस्तों निकल कर आ गई है कि कब मिलने वाली है। तो चलिए मैं आपको दिखला देता हूँ। एक डेली हंट जो न्यूज़ वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ पर J7 Max और ऑन मैक्स के बारे में बताया गया है कि J7 Max और ऑन मैक्स को अब डायरेक्ट फरवरी में 2019 में दोस्तों ओरियो का अपडेट मिलेगी। और यहाँ पर इसमें बताया गया है दोस्तों कि J7 Max की जो सैमसंग की तरफ से जो रिलीज़ की गई थी और ऑन मैक्स दोनों साथ ही मिड रेंज डिवाइस थी दोस्तों। जो J7 Max लगभग 15-17 हज़ार रुपये में रिलीज़ की गई थी और ऑन मैक्स 11-12 हज़ार तक, 12.5 हज़ार तक दोस्तों रिलीज़ की गई थी। तो दोनों में ही मीडियाटेक की चिपसेट डाला हुआ है दोस्तों, प्रोसेसर मीडियाटेक हेलियो P20 और 2P25 डाला हुआ है दोस्तों। तो J7 Max को यहाँ पर अभी तक ओरियो का अपडेट नहीं मिल पाया है। तो ओरियो अपडेट के बाद आपको क्या परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी J7 Max में दोस्तों, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इम्प्रूवमेंट इन कनेक्टिविटी एंड बेटर सिक्योरिटी एंड फीचर्स इन्हेंसमेंट दोस्तों। यहाँ पर द पिक्चर इन पिक्चर मोड दिया हुआ है। यहाँ पर अगर ओरियो का अपडेट आएगा J7 Max में तो ये सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। न्यू कीबोर्ड फीचर मिलेंगे दोस्तों, वेब व्यू इम्प्रूवमेंट्स मिलेंगे दोस्तों, मोर एडेप्टिव आइकन्स मिलेंगे दोस्तों, बेटर जेस्चर कंट्रोल मिलेंगे एंड ऐप पेयर फीचर ऑफ फ्रॉम गैलेक्सी नोट 8 की जो फीचर है उस आपको J7 Max में देखने के लिए मिल जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर चेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों J7 Max को अब बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे थे कि अब दिसंबर में ही मिलने वाला है। दोस्तों मैं आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि J7 Max को फरवरी में ही मिलेगी ओरियो की अपडेट। तो ये बात दोस्तों अब कंफर्म हो चुकी है कि फरवरी में ही मिलने वाली है J7 Max को ओरियो की अपडेट। तो दोस्तों J7 Max और ऑन मैक्स को डायरेक्ट फरवरी में ही मिलेगी और J2 2018 को दोस्तों जनवरी में देखने के लिए मिल जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं J7 Max को अगर ओरियो का अपडेट मिलेगी तो बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन डॉट्स में चेंजेस आएंगे दोस्तों, अडेप्टिव आइकन्स दोस्तों चेंज होगी, और दोस्तों आपका जो स्टेटस बार यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल रहता है वो उसमें भी काफ़ी चेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टेंट ऐप्स अपग्रेडिंग के लिए पिक्चर इन पिक्चर मोड भी मिलेगी दोस्तों। और यहाँ पर J7 Max के स्पेसिफिकेशंस के बारे में दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर इसमें मीडियाटेक 6757 जो मीडियाटेक का हेलियो P20 प्रोसेसर है वो दिया गया है दोस्तों। इसमें क्वाड कोर और दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले आप यहाँ पर जान ही रहे हैं 5.7 इंच की है कैमरा, 3300mAh बैटरी है। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको जो वीडियो के थंबनेल में बताया था कि रिलीज डेट की लिस्ट आ गई है दोस्तों 2019 की, तो 2019 में दोस्तों आपको ये सब देखने के लिए मिल जाएगा। C7 Pro को ओरियो का अपडेट मिलेगी, C9 Pro J2 2019 को जनवरी में मिलेगी दोस्तों, J2 2018 को, ON5 को मिलेगी दोस्तों, और ON7 2018 को भी जनवरी में ही मिलेगी 2019 में, और J7 2017 को दोस्तों जनवरी में ही मिलेगा, और J7 Max को दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं J7 Max को फरवरी 2019 में। तो दोस्तों J7 Max को इतनी इसलिए लेट करिए दोस्तों कि यहाँ पर J7 में जो मीडियाटेक का हेलियो P20 प्रोसेसर दिया हुआ था उसमें काफ़ी सारे बग्स आ रहे हैं, और यहाँ पर इसी बग्स के वजह से काफ़ी फिक्सेस करते करते यहाँ पर अभी तक लेट हो चुकी है। तो इसको अब डायरेक्ट फरवरी 2019 में दोस्तों मिलेगी, अब कन्फर्म हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं J7 2016 को भी मार्च में मिलने वाली है, मतलब एक महीने के आसपास।
दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे वेबसाइट में दोस्तों मैंने सर्च किया है यहाँ पर कि अगस्त 7 अगस्त को मिलने वाले थी दोस्तों जेसन मैक्स को 2018 में, लेकिन इतना लेट, बहुत लेट कर दिया सैमसंग वाले ने दोस्तों। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप अपने फ़ोन को रूट ना करें और बिना रूट के आपको ऑफिशियल एंड्रॉयड ओरियो की अपडेट फरवरी में देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें हमारे नए वीडियो के लिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों। और अगर आप अपने जियो के रिचार्ज फ्री में करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएं, उस वहाँ पर एक आपको लिंक दिखाई देगा, उस लिंक से आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और अपने नंबर से वेरीफाई करके दोस्तों यहाँ पर 5 से 10 लोगों को शेयर करके आप जियो के रिचार्ज फ्री में कर सकते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।